ये स्कर्दू आने वाले जो लोग हैं ये एक चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। और जब भी मैं हुंजा या स्कर्दू, इवन मदीना या मक्का के पहाड़ों में भी आप जाएँ ना, तो एक ख़ास किस्म की एक स्मेल सी आ रही थी मशहूर को इन किस्म की ना, तो लोगों को आइडिया नहीं होता कि भाई ये स्मेल है या नहीं है या किस तरह की है। तो ये बेसिकली ये है कि ये यहाँ पे एक बूटी लगी होती है, अभी ये बिल्कुल ड्राई हुई है और गर्मियों में ये ग्रीन होती है, जब ये खुश्क हो जाती है तो इसमें एक बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, ठीक है। और ये अभी यहाँ पे ये आप सामने देखें, ये मैंने इसके इसकी लकड़ी में से भी आती है, ये उसके जो पत्ते लगे हुए इसमें से भी आती है। और ये जाफर भाई हैं तो ये बता रहे थे कुछ इसके बारे में, इसका क्या नाम क्या है? ये हमारा भारतीय जुबान में जो ना इसका नाम बुरसे बोलते हैं हम। बुरसा, जी जी। तो ये पहाड़ों पे ज्यादा होता है और ये मारखोर भी जो ना ये चीजें बहुत, अच्छा यही चीज जो ज्यादातर ये चीज़, ये कह रहे हैं कि मारखोर जो है ना वो इनको खाते हैं और मारखोर के गोश्त में इसकी खुशबू भी होती है। तो ये खास चीज़ है, आप लोग जब स्कर्दू आए या गिलगित हुंजा वाली साइड पे तो पहाड़ के ऊपर जो ऐसी ऐसी जो आपको सीनरी नज़र आए या इस तरह पहाड़ नज़र आए तो ऐसे लैंडस्केप में ये चीज़ पाई जाती है। बाकी मतलब जो दूसरे ग्रीन वाले उसमें नहीं होती, ऐसे लैंडस्केप में ये मौजूद होती है। तो आपने इसको ज़रूर खुशबू लेनी है इसकी, ठीक है।